بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم صلوات دعا کے عنوان سے یہ اشرہ جاری رہا سلسلے کی آٹھویں مجلس ہے اور کل آخری کیونکہ پرسوں صرف مصائب ہوں گے شام غریبہ ہیں ہم ایک ایسے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ آج اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ باب الحوائج کون کون ہے القاب جو اللہ اور معصومین دیں بس وہی القاب درست ہیں کسی اور کو القاب بنانے کی اجازت نہیں تو ہمارے ہاں روایات میں چار باب الحوائج ہیں سننا چاہیں گے آج کی کچھ نکاہت سی ہے دو تین دن سے گرمی میں زیادہ برداشت نہیں کر پاتا ہوں اور پھر جتنا پسینہ آ جاتا ہے اس کے بعد مجھے کافی نکاہت ہو گئی ہے تو مطالب جہاں تک پیش کر سکوں گا پیش کروں گا ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا تو اللہ نے چار باب الحوائج بتائے ہیں معصومین کے ذریعے کہ چار باب الحوائج پہلے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے ایک ہوتا باب الدعا ایک ہوتا باب الحوائج توجہ ہے باب الدعا دعا میں حمد بھی ہو سکتی ہے شکر بھی ہو سکتا ہے لیکن حاجت کی جمع ہے حوائج جب کوئی حاجت انسان کسی کی بارگاہ میں لے کے جائے یعنی جو انسان کی احتیاج ہو تو جو اس حاجت کا قبول کروانے والا ہو اسے باب الحوائج کہا جاتا کہ جہاں جس در پہ حاجات قبول ہوں وہ ہے باب الحوائج تو سب سے بڑے باب الحوائج موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام دوسرے باب الحوائج عباس ابن علی تھوڑا سی دیر چلتے رہیے گا
तीसरे हैं बाबुल हवाइज हजरत मुस्लिम इब्ने अकील, उन्हें भी रिवायात में बाबुल हवाइज कहा गया, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील। और चौथे बाबुल हवाइज हैं हजरत अली असगर, कि उनकी मजलूमियत की वजह से उन्हें बाबुल हवाइज कहा गया। तो आज मैं हाजात के उनवान से कुछ पेश करना चाह रहा हूँ मतलब। तो पहले पहलू को पेश करना चाहूँगा। देख रहा हूँ कि मुझे बरादरान जिस अंदाज से बैठे, मुझे बताया कि खारान में भी मेरी बहनों के भी इमाम बरगाह में बहुत ज़्यादा बैठने के मसाइल होते हैं। हवाइज हाजात अगर कोई रखता है तो कहाँ जाए हाजत पूरी हो, तो बताया गया कि एक बाबुल हवाइज है सातवें इमाम। अब सातवें इमाम कैसे बाबुल हवाइज है पेश करना चाह रहा हूँ, सुनिएगा थोड़ा साथ दीजिएगा मेरा। तो अब सातवें इमाम से मुतालिक है कि आप 14 बरस के थे कि छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने तारुफ करवाया ये बाबुल हवाइज है, बेटों में सबसे छोटे थे, तवज्जो मेरे साथ रखिएगा। तो चौथे बेटे हैं और बिल्कुल जब गहवारे में थे तो एक इमाम के शागिर्द हैं, कहते हैं कि मैं इमाम के घर मिलने गया तो देखा छठे इमाम गहवारे में किसी बच्चे से फसीह बलीग अरबी जबान में कलाम कर रहे हैं। तो मैं कहीं हंसने लगा, मौला आप बच्चे से बातें कर रहे हैं? तो छठे इमाम जलाल में आए, कहा ये बच्चा नहीं है हुज्जत खुदा है, ये आम बच्चा नहीं ये हुज्जत खुदा है। कहा मैं बड़े अदब से बैठा सुनने के लिए। तो छठे इमाम कुछ देर बातें करते रहे, का ताज्जुब मेरा ये हुआ कि वो जो गहवारे में थे वो भी बड़ी फसीह बलीग अरबी जबान में जवाब देने लगे। तवज्जो हो, एक और जुमला यहां पेश कर दूं, ये हमारे 12 इमामों ने दुनिया में आते ही कलाम क्यों किया? तवज्जो, पहले इमाम ने भी, दूसरे तीसरे 12वें इमाम तक, सबके लिए साबित है दुनिया में आते ही कलाम किया। मौला अमीर ने रसूल खुदा से, इमाम हसन हुसैन ने मौला अली से, इमाम सज्जाद ने मौला हुसैन से, इमाम बाकिर ने चौथे इमाम से, हर इमाम ने 12वें इमाम ने 11वें इमाम से, तो हर इमाम ने कलाम किया गहवारे में। तो मैं बहुत सोचा करता था ये कलाम क्यों किया, तो मेरी निगाहों में सूरह मरियम आया। वहां जनाबे मरियम को जब अल्लाह ने कहा ना बच्चा लेके जाइए, तो कहा परवरदिगारा कैसे जवाब दूंगी बच्चा कहां से आया? कहा आप खामोश रहिएगा बच्चा बोलेगा। जो तो जनाबे मरियम फाशारत इलैहा, गहवारा जब लेके गई तो आपने इशारा किया बच्चे की तरफ। फकालु कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, जो एक गहवारे में नौ मौलूद बच्चा है हम उससे कैसे बात करें? अब सब के सब एतराज कर रहे हैं, या उख्ता हारून, ए हारून की बहन, आपके माँ बाप बड़े पाक दामन थे, इमरान भी अच्छे थे, आपकी वालदा एलिजबेथ भी अच्छी थी, आप बच्चा कहां से ले आए? आपने इशारा किया मैं नहीं बोल सकती, आज बच्चा बोलेगा। तवज्जो, तो कई मर्तबा मासूम बच्चे इस्मत के गवाह बनते हैं। एक मर्तबा जनाबे ईसा बोलने लगे, अब मैं सोचा करता था कि ये 12 इमामों ने क्यों बोला, अब जब समझ में आया कि जनाबे ईसा ने जनाबे मरियम की गवाही दी, तो कोई ईसाई ये ना कह दे कि ईसा मोहम्मद से अफजल है, अल्लाह ने 12 से बुलवा के दिखाया, अरे इसके तो नायब भी बोलते हैं, इनके 12 के 12 नायब के हवारे में बोल रहे हैं। जाने के नामी बाबुल हवाइज पेश कर रहा हूं, अगर सुनना चाहेंगे यकीन मानिए बेनतहा न कहा था, जोर नहीं लग रहा मुझसे तो, लेकिन आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं, जहां तक आप सुनेंगे वहां तक पेश करूंगा। कि सातवें इमाम 14 बरस के हैं, तो इमाम ने कहा ये बाबुल हवाइज हैं, छठे इमाम ने कहा, और बाबुल हवाइज इशारा किया और देखा इमाम, छठे इमाम पढ़ाते थे, जब पढ़ाते थे तो उसमें सिर्फ शिया नहीं आते थे, अहले सुन्नत के भी बड़े बड़े उलमा पढ़ने के लिए आते थे, इमाम अबू हनीफा शिया नहीं थे, पढ़ने आते थे, इमाम पढ़ाते थे, कभी नहीं कहते थे भाई जब तुम इमाम नहीं मानते तो पढ़ने क्यों आते हो। तवज्जो, इमाम मालिक भी पढ़ने आते थे, इमाम अबू हनीफा भी पढ़ने आते थे, इमाम पढ़ाते थे, अरे ये तो चले फिर मुसलमान थे, यहूदी ईसाई आते थे, यूनान के बड़े बड़े फलसफी आते थे पढ़ने के लिए, छठे इमाम कभी नहीं कहते थे कि अरे जब मानते नहीं तो पढ़ने क्यों आए।
इमाम कहते थे उसूल ये है कि पढ़ाओ, जो अजमत समझ के मान ले उसे आने दो, जो ना माने उसे जाने दो। वो और होंगे जो तलवार से मनवाते होंगे, हम इल्म से मनवाते हैं। तो अब ये इमाम ने इशारा करके कहा ये तुम्हारे बाबुल हवाइज हैं, मेरे बाद तुम्हारे इमाम हैं। तो अब सबके सब छठे इमाम के फर्जंद सातवें इमाम को देख रहे हैं 14 बरस के, कम मौला आपने बताया है कि खुला हुआ दर उसके सामने नमाज ना पढ़ो, जलते हुए चराग के सामने नमाज ना पढ़ो, खुली किताब के सामने, तवज्जो बढ़ती है। तो आपके फर्जंद खुले दर के सामने नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग तो पहुंच रहे हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आम बेटा नहीं है, जब ये नमाज तमाम करे तो इन्हीं से सवाल करना कि खुले दरवाजे के सामने क्यों नमाज पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही सातवें इमाम ने नमाज तमाम की, सारे के सारे छठे इमाम के शागिर्द आए, का फर्जंद रसूल आपके बाबा ने कहा खुले दरवाजे के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है। इमाम ने कहा हां, का फिर आपने नमाज क्यों पढ़ी, का जानते हो क्यों मकरूह है, का हां तवज्जो बढ़ जाती है, कोई सामने से गुजरे तवज्जो बढ़ जाती है। इमाम ने कहा मेरा खुदा इस दरवाजे से ज्यादा मुझसे करीब है, तुम्हारे अहकाम और हैं हमारे और, दरवाजा खुला हो तो तुम दरवाजा ही देखते हो, नमाज नहीं पढ़ते, हमारी टांगों से तीर भी निकाल लिए जा। तो हम नमाज ही में होते हैं, हम नमाज ही में होते हैं, हम तवज्जो नहीं बटने देते। अजाने के रोक के यहां पे जुमला पेश कर रहा हूं कि ये बाबुल हवाइज कौन कौन है और उनका क्या क्या मकाम है, सबकी मैं मंजिलत पेश करना चाह रहा था। मुझे नहीं मालूम कहां तक आप सुनेंगे, एक सिर्फ रोक के नौजवानों के लिए खास तौर से पेश कर रहा हूं कि ये अव्वल वक्त नमाज की फजीलत। एक बहुत बड़े आलिम दीन अपनी किताब में लिखते, कहते मैं सफर कर रहा था तो ईरान में मोटरवे पे गाड़ी चल रही है, अव्वल वक्त जोहर है, धूप गर्मी तपिश मशहूर है ईरान इराक के। तो कहा मैंने देखा कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है अव्वल वक्त। मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, कहा यहां तो नहीं रोक सकते मोटरवे है, कहा गाड़ी रोक दो। कहा कि आगा यहां उतर नहीं सकते आप, कहा किसी भी तरह गाड़ी रोको। उसने जो हार्ड शोल्डर होता है वहां पे गाड़ी रोकी, वो फौरन धक्के खाते हुए नीचे उतरे, इंतजार किया, उसकी नमाज तमाम हुई। कहा भाई ये इतनी तपिश में इतनी गर्मी में अव्वल वक्त नमाज पढ़ रहे हो, मैं आलिम दीन होकर गाड़ी में जा रहा था, तुम अव्वल वक्त नमाज। कहा हां मैं हमेशा जैसे ही अजान होती है नमाज पढ़ लेता हूं। कहा क्यों, मैं सीखना चाहता हूं, तुम चरवाहे हो, पढ़े लिखे हो। कहा नहीं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अनपढ़ हूं। कहा तो तुमने ये अव्वल वक्त नमाज कैसे सीखी, कहा अपनी बकरियों से, नहीं है मजमा, कहा भेड़ बकरियों से। कहा कैसे, कहा जब शाम होती है ना मैं एक आवाज लगाता हूं, सारी भेड़ बकरियां आ जाती हैं, तवज्जो तवज्जो, का एक आवाज लगाता हूं सारी भेड़ बकरियां आ जाती हैं। कभी कोई बकरी ये नहीं कहती अभी तो मैंने घास भी पूरी तरह नहीं खाया था, कोई बकरी ये नहीं कहती आज तो मैंने पानी नहीं पिया। का ये जानवर होके ये जानती है कि ये मालिक है, मालिक की एक आवाज पे आती है। का मैं तो इंसान हूं, जानता हूं हकीकी मालिक अल्लाह है, जब वो अजान कहलवा रहा हैया अलैहिस्सलाम, का मैं एक, मैंने अपनी बकरियों से अजान पे फौरन लब्बैक कहना सीखा। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नमाज का वक्त हो जाए और वो उसे कजा कर दे। बात पहुंच रही है, बुरा तो नहीं मना रहे हैं, चले अगर बुरा मना भी लें तो आखिरी आखिरी मजालिस है। भाई जिस मोहब्बत से आपने सुना, यकीन मानिए कि मैं ममनून हूं आपका कि एक एक जुमले को आपने मोहब्बत से सुना और जिस तरह से चलते रहे। बस ये 2 मजालिस और हैं, इसको भी सुन लीजिएगा इसी मोहब्बत के साथ। ऐसे जाने के नामी, अब ये बाबुल हवाइज हैं, जनाबे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पेश करना चाह रहा हूं इमाम की खुशनुदी के लिए बाबा बुलंद सलावात। अजाने के नामी, कौन है सातवें इमाम पेश करना चाहता हूं,
आपने शायद नाम सुना हो ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का, नाम सुना? एक है शेख तूसी जिन्होंने नजफ के हौजे की बुनियाद रखी, वो नहीं, उनके 300 साल बाद अल्लामा हिल्ली के उस्ताद भी हैं शागिर्द भी, नाम है ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी। मैं शिकागो मजालिस पढ़ने गया हुआ था तो एक आलिम दीन, बहुत बुजुर्ग आलिम दीन इराक के, उन्होंने कहा भाई आए हैं तो शिकागो का साइंस म्यूजियम जरूर देखने जाएं। मैंने कहा मैं मजालिस पढ़ने आया हूं। जी नहीं, कह लेंगे नहीं, उसकी बेसमेंट में एक एग्जीबिशन लगा हुआ, नुमाइश लगी है और उस पर लिखा हुआ है मुस्लिम साइंसदान, ए मुस्लिम साइंटिस्ट नसीरुद्दीन तूसी, उनकी तमाम इजादात, मजमा नहीं यार, उनकी इजाद इन्वेंशन, उनकी इजादात। कहा एक इन्वेंशन नहीं है, अमरीकी है, शिया दुश्मन है, लेकिन मानते हैं मुसलमानों ने इतनी इजादात की, और एक साइंटिस्ट है नसीरुद्दीन तूसी जिन्होंने फलसफे में कलाम में तमाम उलूम में किताबें लिखी, साइंस पे किताबें लिखी, मौसम का हाल बताना उन्होंने सिखाया। नहीं है मजमा, नहीं है। ऐसे जाने ग्रामी, एक किसान के एक मरतबा घर पे छे तो एक मरतबा किसान ने कहा आज अंदर सोएंगे या बाहर, आप हर रोज बाहर सोते हैं, कहने मैं बाहर ही सोऊंगा, कहने लेकिन आज रात तो बारिश होने वाली है। उन्होंने एक मरतबा आसमान देखा, कहा नहीं बारिश नहीं है, कहा ठीक है आप बाहर सो जाइए। एक मरतबा आधी रात के बाद बारिश हो गई, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी फौरन किसान के पास गए, कहा पता कैसे चला, मैं तो माहिर हूं मैं पता नहीं लगा सका, तुझे कैसे पता चला बारिश होने वाली है, कहा मुझे नहीं पता था लेकिन मेरे घर में कुत्ता पला हुआ, जिस रात बारिश होनी होती है वो अंदर आके सोता और जब बारिश नहीं होती वो बाहर सोता है। फिर ख्वाजा ने जानवरों पे तहकीकात लिखी, बहुत सी चीजें इंसानों को पता नहीं चलती जानवरों को पता चल जाती हैं। उनकी इजादात बहुत ज्यादा। अब मैंने ये सारा क्यों बताया ख्वाजा का, सुनिएगा आप, है मजमा, सारा मजमा इसी तरह से सुनेगा। अच्छा जाने की रामी, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी आखिरी वक्त आया, काजमैन में छे, लोगों ने पूछा इंतकाल होने वाला है आपका, आपने खुद भी बता दिया, कहां ले जाएं, करबला या नजफ? उन्होंने कहा मुझे हया आती है बाबुल हवाइज की बारगाह में दम तोड़ो और कहूं कहीं और ले जाओ, मुझे यहीं दफनाना। कहां दफना है? कहा मुझे मूसा बिन जाफर के कदमों में दफना देना। कहा कब्र पे क्या लिखें? तवज्जो, कब्र पे क्या लिखें? आयतुल्ला लिखें, अल्लामा लिखें, मुहक्किक लिखें, ख्वाजा लिखें, साइंसदान लिखें, क्या लिखें? कहा बस ये आयत लिख देना सूरह कहफ की, वकल्बहुम बासितुन ज़िराएहि बिलवसीत, इनका कुत्ता इनके सामने टांगे फैलाए लेटा है। अस्हाबे कहफ के कुत्ते के लिए कहा था, इतने बड़े मुहक्किक ने कहा सिर्फ ये लिखना, ये जो कुछ बना हूं बाबुल हवाज के। अब समझ में आया बाबुल हवाज? मुझे नौजवानों की खास तवज्जो चाहिए आज। ऐजाना गिरामी, बहुत से लोग कहते हैं ये आजादारी पे इतना पैसा लगा रहे हो, ये जोड़ लो, इतनी यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी, इतने स्कूल बन जाएंगे, इतने कॉलेज बन जाएंगे, कभी किसी के धोखे में ना आइएगा। ये आज जो कुछ शिया कौम के पास है इस आजादारी का सदका है। बात पहुंच गई है? सब शायद साथ नहीं, मैं सिर्फ एक, इसी कराची का मुझे किसी ने वाकया सुनाया था, मेरे मौजू से मुतालिक है, कि दो अफराद बस स्टॉप पे आपके कराची में खड़े थे, एक साहब सिगरेट पीने वाले, दूसरे सिगरेट नहीं पीते थे, तो सिगरेट पीने वाले साहब, आपको पता बस लेट हो जाए तो सिगरेट की रफ्तार बढ़ जाती है, उन्होंने एक दो तीन, तो साथ वाले ने कहा कितनी सिगरेट पी लेते हैं दिन में? कह लेंगे एक से दो डब्बी। कह लेंगे 20 से 40 सिगरेट, एक डब्बी कितने में आती है? पुराना वाक्य तो उनका इतने में, कितने में, यानी पीने वाले बैठे हैं तो बहरहाल एक डब्बी इतने में आ जाती। कहा अच्छा कब से सिगरेट पी रहे हैं? कब 20 साल से ज्यादा हो गया। उन्होंने फौरन कैलकुलेटर निकाला, हिसाब करना शुरू किया, कहा हर रोज इतनी, साल में 365 दिन, 20 साल से ज्यादा हो गया। तो कहने लगे देख रहे हो सामने की जो फ्लैटों की इमारत है? कहा, कहा अगर तुमने सारे पैसे जोड़े होते तो ये बिल्डिंग तुम्हारी होती। कुछ देर के लिए बेचारा वैसे सिगरेट
दिल बैठ गया, सोचता रहा कि मैंने इतनी इन्हें सिगरेट पी ली कि ये पूरी बिल्डिंग मेरी होती। फिर पलट के कहने लगा, तुम सिगरेट पीते हो? कहा नहीं, मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया। कहा तुम्हारी ऐसी कितनी बिल्डिंगें हैं? कहा एक भी नहीं। कहा मुझे पागल बना रहे हो? ये जो लोग कहते हैं ना, पैसे जोड़ लो, तबर्रुक पे ना लगाओ, मजलिसों पे खर्च ना करो, सकाई ना करो, सबीले ना लगाओ, इतने स्कूल खुल जाएंगे, इतनी यूनिवर्सिटियां, उन सबसे कहो हम नहीं करते। तुम बताओ, तुम तो मजलिसों में नहीं आते। बताओ तुमने कितना कर लिया? बस भाई वक्त नहीं। बस भाई ये बाबुल हवाइज हैं जिनके सदके में आज सब कुछ हमारे पास है। ये बाबुल हवाइज हैं और ये सब के सब सफीना नजात हैं। आठवें इमाम की हदीस है, नहनु कुल्लु सुफुनु नजात, हम सब के सब नजात की कश्तियां हैं। सिर्फ मौला हुसैन नहीं, हम सब के सब। वलाकिन सफीनतु जद्दिन अल हुसैन असरा, लेकिन हमारे जद हुसैन की कश्ती सबसे तेज रफ्तार है। अल्लाह गिरामी, मैं आज चारों बाबुल हवाइज पे बोलना चाहता था, शायद बोल ना पाऊं। जितना पेश करूंगा उसे सुन लीजिएगा। अजाने के रामी, आप हमेशा जब भी मांगें तो जमानो मकान को हमेशा जहन में रखें। 24 घंटे में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब दुआ कबूल होती है, और बाज़ औक़ात हम छोटी छोटी चीजें मांग रहे होते हैं, फौरन मिल जाती हैं। हमेशा दुआ वो मांगें जो आपके नज़दीक अहमियत रखती हो। हमेशा जबान से अच्छी बात निकालें। आए जरा मैं हजरत बाबुल हवाइज मौला अब्बास के मुतालिक पेश करूँ आज। जनाब अब्बास की खुशनुदी के लिए, जनाब उम्मुल बनीन की खुशनुदी के लिए बाबा ज़ैबल अंसलवा। वाजिल फरजम। बस भाई ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। कौन है हजरत अब्बास इब्ने अली? जिनके लिए तहज्जुद में मौला ने दुआ मांगी हो, वो अली जिनके हसन हुसैन जैसे बेटे हों और कहें परवरदिगारा एक ऐसा बेटा दे जो करबला में मेरी नुमाइंदगी करे। अल्लाह जानता है ना कि वो अली जो मुश्किल कुशा हो, आज अली मांग रहे हैं। अब अल्लाह ने अली के हिसाब से अता किया। जब अता किया तो कहा अली मैं आपको अब्बास दूंगा। अजाने गिरामी, जैसे ही जनाब अमीर ने आगोश में लिया तो जनाब अब्बास ने अंगड़ाई ली, तो मौला ने फौरन कहा हाजा अब्बासुम, ये अब्बास है। मैंने किसी मकाम पे पेश किया था, शेर की मुख्तलिफ हालतों और कैफियतों के नाम हैं। बस भाई पढ़ाने जा रहा बिल्कुल भी मेरी याद कैफियत अजीब व गरीब है। वहां पे मसायब भी पढ़ के आया हूं बहुत तफसील से। तो जाने की रामी बहुत नकाहत हो रही है, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा इस वक्त, तो मैं पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, शेर की मुख्तलिफ हालतें। असद मुतलक शेर को कहा जाता, शेर को अरबी में असद कहते हैं। हर हालत के अलग अलग नाम हैं। ज़िरगाम कहते हैं जो चीर फाड़ करने वाला शेर हो। ज़ैगम कहते हैं जो दौड़ता हुआ शेर हो। हारिस कहते हैं हिफाजत करते हुए शेर को। गजनफर कहते हैं बड़े और बूढ़े शेर को। तवज्जो। लैस कहते हैं गुर्राते हुए शेर को। गुर्राता हुआ शेर कहलाता है लैस।
लाम ये और से, लैस गुर्राता हुआ शेर, और हमला करते हुए शेर को कहते हैं हैदर। हमला करता हुआ शेर हैदर, और अब्बास किस शेर को कहते हैं? तो मैंने लुगत में देखा तो मुख्तलिफ मानी लिखे थे, एक जगह लिखा है अंगड़ाई लेते हुए शेर को अब्बास कहते हैं, तवज्जो, दूसरी लुगत में लिखा था, फिरोजुल लुगात में लिखा था, अब्बास उस शेर को कहते हैं जिससे शेर फरार करें। अल्लाह के शेर ने कहा ये अब्बास है। भाई अब्बास कोई आम शेर नहीं, शेर खुदा का शेर है। मेरी तबीयत भाई चलते रहिएगा। जनाब अब्बास बहुत शुजा, बहुत दलेर, और मैंने किसी मकाम पे पेश किया था, इशारा कर रहा हूं सिर्फ, कि बेइंतहा खूबसूरत थे जनाब अली मुर्तजा, और सबसे ज्यादा आपकी आंखों की तारीफ की गई है। मौला की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, और जब आप मैदान जंग में जाते थे ना तो आप दांत भींच लेते थे, जब जुल्फकार खींचते थे ना तो दांत भींच के जुल्फकार को खींचते, आंखें सुर्ख हो जाती थी। अक्सर लोग आपकी आंखों को देख के वहीं मर जाते थे। मौला अली आंखों से दुश्मन को खा लेते थे, बड़े बड़े सूरमा का पित्ता पानी हो जाता था। जनाब अमीर की वही आंखें जनाब अब्बास के पास थी। जनाब अब्बास भी मौला की तरह निकाब रख के मैदान में उतरते थे, मौला भी निकाब अपना तहतुल हनक निकालते थे, अपने अमामे में से तहतुल हनक निकालते थे और मैदान में जाते थे। जनाब अब्बास सिफीन में सिर्फ 13 बरस के थे। अगर सुनना चाहें पढ़ो, 13 बरस के थे सिफीन में। तो एक मरतबा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जनाब अमीर की जिरा पहन के मौला की सवारी पे सवार हुए, मौला की तलवार ली, मैदान में गए। जनाब अब्बास की जुल्फे तुलानी थी, रंग बहुत कोरा था, तो एक मरतबा आपने तलवार खींची, लड़ना शुरू किया, सारी फौज कहने लगी अली आ गए, अली आ गए। तो दूसरे पूछते पता कैसे है? क्या आंखें वही हैं, तेवर वही हैं। चलिएगा। तो एक मरतबा जनाब अमीर से किसी ने आगे कहा मौला आप यहां हैं? वहां मैदान जंग में हर आदमी ने शोर मचा रखा है, अली आ गए, अली आ गए। मौला मुस्कुराए, कहा लड़ने वाले से कहो अली ने बुलाया। जनाब अब्बास से किसी ने कहा आपको अली ने बुलाया, आपने निकाब नहीं उतारा। एक मरतबा सवारी से उतरे, बस मौला का नाम आना था, घोड़े से उतरे, हाथ में तलवार थी, खून बह रहा था तलवार से, चेहरे पे अभी भी नकाब था। जैसे ही जनाब अब्बास को आता देखा ना, तो जनाब अब्बास के स्याह अमामे पे, स्याह बाल चेहरे पे आए हुए थे, रंग गोरा था। मौला ने दूर से देखे कहा हाजा कमरो बनी हाशिम, हाजा कमरो बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का चांद है। अच्छा जाना गिरामी, जिस घर में एक ही खूबसूरत हो तो खानदान वाले सारे अलकाब उसे दे देते हैं, नहीं पहुंचा सका कि भाई ये खूबसूरत है, यही चांद है, यही सूरज है, यही सितारे, सब कुछ यही है। और अगर किसी खानदान में सभी खूबसूरत हो, अब पहुंच रही है बात, सभी खूबसूरत हो, कोई हमजा हो, कोई जाफर तैयार हो, रसूल खुदा, अली मुर्तजा, इमाम हसन हुसैन के तो नाम ही हुसन से निकले हैं, बहुत खूबसूरत थे। जहां सभी खूबसूरत, वहां जनाब अमीर फरमा रहे हाजा कमरो बनी हाशिम, अब सोचें कितने खूबसूरत होंगे। सिर्फ आंखें नहीं, नाक जनाब अब्बास का, आपकी पेशानी, लब, आपके बाजू, आपका कद, हर चीज देखने से ताल्लुक रखती थी। जो एक दफा देखता था वो वापस आके पूछता था कौन है। जब जनाब अब्बास मदीने के बाजार में जाते थे, बाजार रुक जाता था। जनाब जैनब को किसी ने कहा जब आपका भाई जाता है बाजार रुक जाता, जनाब जैनब ने बुलाया, क्या भैया आज के बाद से चेहरे पर नकाब रखना।
का बीबी जैसा आपका हुक्म, का भैया कहीं नजर ना लग जाए। सारे मदीने वाले एक ही बात करते हैं, अब्बास अब्बास है। बहुत खूबसूरत है, मैं देख रहा हूं आंखों में आंसू हैं। भाई ये विलायत तो अकीदत की अलामत है कि फजाइल में भी आंखों में आंसू आ जाए। जनाब अब्बास बहुत खूबसूरत, बहुत सखी थे, बहुत शुजा थे। बस एक रिवायत और पेश करूंगा अगर सुनना चाहें। जनाब अब्बास की खुशनुदी के लिए बुलंद सलावात। आखिरी रिवायत, मैं जानता हूं बहुत ताखिर हो चुकी है। जनाब अब्बास मैदान करबला में सिपा सालार थे, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर जंग के सिपा सालार थे, वैसे मौला हुसैन के मैदान करबला में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम सिपा सालार थे। सिपा सालार का काम होता है कि दुश्मन की फौज पर नजर रखे। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग करबला गए हैं। जब आप जाएंगे ना ज़ियारत के लिए इंशाअल्लाह, तो आप देखेंगे खैमे, खैमा गाह जाएंगे ना आप, मुखय्यम अरबी में कहते हैं खैमा गाह, तो सबसे पहला खैमा हज़रत अब्बास का है और हज़रत अब्बास अकेले रहा करते थे, और सबसे आखिरी खैमा मौला सज्जाद का। इस तरफ से मैं हिफाजत करूँगा, उस तरफ से सज्जाद आप हिफाजत कीजिएगा। और फिर जवाना ने बनी हाशिम के अस्हाब के, फिर जवाना ने बनी हाशिम के, फिर मौला हुसैन का खेमा मरकज़ में, फिर बीबियों के खेमे जनाब जैनब का, फिर सब बीबियों के। तो जनाब अब्बास शब आशूर यजीदी लश्कर को देखने गए अकेले। सारा लश्कर एक नाम से डरता था और सबको खौफ था हजरत अब्बास का। जनाब अब्बास देखने गए तन्हा, सारी फौज को देखा वापस आए, फिर आके कहा अली अकबर, चचा भतीजे में बड़ी मोहब्बत थी और दोनों बहुत खूबसूरत थे। कहा अली अकबर मैं सारी फौज का मुआयना कर आया हूं। अली अकबर मैंने सारी फौज को चार हिस्सों में तकसीम कर लिया, चार बराबर के हिस्सों में। ए अली अकबर आधी फौज से मैं अकेला लड़ूंगा, दो हिस्सों से मैं लड़ूंगा, एक हिस्से से ए अली अकबर आप जंग कीजिएगा और तमाम अंसार हुसैनी एक हिस्से से जंग करेंगे। जुमले सुनिएगा, ए अली अकबर एक बटा चार फौज से सारे अंसार, एक बटा चार फौज से आप अकेले और आधी फौज से मैं। का अली अकबर बस एक काम कीजिएगा, जो आपके मुकाबले में एक चारों फौज आए आप सिर्फ रोक के रखिएगा, मैं जल्दी जल्दी जो मेरे मुकाबले में आधी फौज होगी ना, मैं जल्दी जल्दी उन्हें कत्ल करके आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। फिर अली अकबर हम दोनों आधी फौज बाकी खत्म कर देंगे। कहा अली अकबर बस कल हम मौला हुसैन को जहमत नहीं देंगे, हम खुद सबसे लड़ लेंगे, मैंने देख लिया है। जनाब अब्बास घोड़े पे सवार थे, आप जानते हैं ना घोड़े की लगाम चमड़े की होती है और जो उसकी जीन होती है चमड़े की और उस पर जो रकाबे होती हैं वो भी चमड़े की। तो जनाब अब्बास घोड़े पे सवार थे, लगाम में हाथ डाला हुआ था, तो जनाब जुहैर कैन ने कहीं जुमला कह दिया, ताज़ा ताज़ा शिया हुए थे जनाब जुहैर कैन, पहले शिया नहीं थे, तो उन्होंने कहा अब्बास हमें औरों ने बताया है कि मौला अली कहते थे मैंने अब्बास को करबला के लिए मांगा। बस ये जुमला सुनना था, जनाब अब्बास ने एक मरतबा घोड़े की लगामों को खींचना शुरू किया और रकाबों में फिशार देना शुरू किया, रकाबों को भी तोड़ दिया लगाम को भी। कहा जुहैर कैन मुझे गैरत मत दिलाओ, सुबह होने दो मैं बताऊंगा मैं अली का बेटा हूं। मैं चलते रहिएगा, अब मैं फजाइल से मसाइब पे ही आ गया हूं, तफसील से पढ़ना चाह रहा हूं। यकीन मानिए अपनी हालत बस मैं जानता हूं, आए जरा कुछ देर। मैं
अपने से मुतमईन नहीं होऊंगा अगर तफसील से मौला अब्बास के मसाइब ना पढ़ो। जानते हैं जब मदीने में खबर पहुंची थी तो बशीर ने मिंबर से ऐलान किया था, अला या अहल यसरिब ला मुकाम लकुम बिहा कुतल अल हुसैन व करबला। मदीने वाले ने कहा का यसरिब वालों ये शहर अब जीने लायक नहीं रहा, हुसैन मारे गए। आप जानते हैं ना मस्जिद का साथ वाला घर मौला अली अलैहिस्सलाम का, उस वक्त वहां जनाब उम्मुल बनीन रहती थी, उनके कानों में आवाज आई हुसैन मारे गए। बीबी की आंखों में मोतिया उतरा हुआ था, बीबी देख नहीं पाती थी। बीबी ने फौरन सर पे बुरका लिया, हाथ में असा लिया, पोते को बुलाया, नाम फजल, कब फजल मुझे फौरन मस्जिद नबवी ले चल। बीबी मस्जिद में आई, बुरके में थी, बशीर को मालूम नहीं बीबी कौन है। कब बशीर ये कौन सा हुसैन मारा गया? बशीर ने कहा बीबी नवासा रसूल हुसैन, अली का लाल हुसैन, जहरा के दिल का चैन हुसैन। जनाब उम्मुल बनीन के आंसू बहने लगे। बीबी ने सवाल किया, कहा बशीर लेकिन मैं कैसे मान लूं अब्बास के होते हुए हुसैन मारा गया? कहा नहीं बीबी आपने सही नहीं सुना, पहले अब्बास मारे गए थे बाद में हुसैन मारे गए। बीबी ने कहा कि बशीर मैं नहीं मान सकती, अली का शेर बेटा जंग न कर सका। बशीर ने कहा कि नहीं बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा वो घोड़े की जीन पे संभल नहीं सके, वो जमीन पे गिर गए। मेरी तरफ देखिएगा, जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया कब बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा, बशीर मैं अब्बास की मां हूं, बशीर मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा अब्बास दो उंगलियों से गुर्ज को जमीन पे फेंकता था। बशीर मैं नहीं मान सकती, मेरा अब्बास गुर्ज का वार नहीं रोक सका। अब बशीर ने पहचान लिया ये बीबी कौन है, बड़े अदब से कहा, कहा बीबी मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा अब्बास के बाजू नहीं थे। जनाब उम्मुल बनीन के हाथ से असा छूट गया, बीबी जमीन पे गिर गए, मातम करने लगी, कहने लगी वाह अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास। बशीर ने पूछा बीबी किस बात ने आपको इतना रुला दिया? जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया बशीर तूने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। बशीर जब कोई शहसवार गिरता है ना वो हाथों का सहारा लेता है, लेकिन अगर किसी शहसवार के हाथ ना हो और वो गिर जाए तो उसका चेहरा जमीन पे लगता है। बशीर मैं ये सोच के रो रही हूं मेरे लाल का चेहरा। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। मैं भी पढ़ूंगा, सुनेंगे शहादत। दो जुमले और पेश कर दो जनाब उम्मुल बनीन के। जन्नतुल बीबी ने रोते रोते अपने पोते से कहा कुछ देर के लिए मुझे जन्नतुल बकी ले चल। पोते ने दादी का हाथ छामा, कहा दादी अम्मा आए मैं ले चलता हूं। मेरी तरफ देखिएगा, जब जनाब उम्मुल बनीन जन्नतुल बकी आई बीबी एक कब्र की पाइंती में बैठ गए और रोने लगे, कहा बीबी मेरे अब्बास को माफ कर दीजिएगा।
बीबी मेरे अब्बास ने बेवफाई नहीं की थी, बीबी पहले मेरा अब्बास मारा गया था, बाद में आपका हुसैन मारा गया। फिर बीबी ने रो के कहा, का बीबी माफी इसलिए मांगने आई हूं आपकी बेटियों का पर्दा नहीं बचा। बीबी आपकी बेटियों का पर्दा नहीं बचा। बस भाई पता नहीं कैसे पढ़ूंगा। जनाब अब्बास सुन के रोइएगा। जनाब अब्बास सुबह आशूर मौला हुसैन की बारगाह में आएगा, मौला इजाजत है मैं मैदान जंग में जाना चाहता हूं। मौला ने कहा, नहीं अब्बास आप मेरी फौज के सिपासालार हैं। जब पहला हमला हुआ ना बहुत से अंसार मारे गए, मौला अब्बास ने कहा, मौला मुझे इजाजत दीजिए दुश्मनों को मैं देख लूंगा। मौला हुसैन ने कहा, नहीं अब्बास आप मेरी फौज के सिपासालार हैं। जब जनाब हबीब का लाशा आया ना, जनाब अब्बास ने कहा, मौला ये बुजुर्ग असहाब ये लड़ नहीं पाएंगे, मौला मुझे इजाजत दें, ये भूखे प्यासे कहां लड़ेंगे। मौला ने कहा, नहीं अब्बास आप मेरी फौज के सिपासालार हैं। जब जोहर से पहले ओनो मोहम्मद के लाशे आए, जनाब अब्बास ने कहा, मौला गोदों के पाले मारे गए, मौला मुझे इजाजत तो दें। मौला हुसैन ने कहा, नहीं अब्बास आप मेरी फौज के सिपासालार हैं। जनाब अब्बास बड़े गयूर थे, एक मर्तबा आंसू आए आंखों में, कहा, मौला वो फौज कहां है जिसका मैं सिपासालार हूं। मौला सब मारे गए, मुझे इजाजत दीजिए। कहा, नहीं अब्बास अभी आप रुक जाएं, अब अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। जनाब अब्बास एक खेमे के सामने खड़े थे, अंदर से कुछ बच्चों की आवाजें आ रही थी। एक बच्चा कह रहा था, हाय प्यास। फिर अचानक एक बच्ची की आवाज आई। जनाब अब्बास खेमे के अंदर चले गए। ये वो खेमा था जहां मशकीजे रखे जाते थे। देखा कि एक छोटी सी बच्ची मशकीजे हिला हिला के देख रही है, शायद पानी रह गया हो। जनाब अब्बास ने पूछा, बीबी क्या बात है। बच्ची ने कहा, चचा प्यास लगी है। मौला अब्बास ने कहा, सकीना अपने बाबा से कहिए मुझे पानी लाने की इजाजत दे दे। बीबी ने मशकीजा लिया, कहा, चचा मेरे साथ चले। कहा, बाबा चचा अब्बास से कहें हमें पानी ला दें। मेरा दिल कहता है मौला हुसैन ने कहा होगा, अब्बास अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं मैं रद्द नहीं कर सकता, अब्बास आपको पानी लाने की इजाजत है। मेरी तरफ देखिएगा, मौला अब्बास ने कंधे पे मशकीजा रखा, हाथ में अलम लिया। जब जाने लगे ना, मौला हुसैन ने कहा, अब्बास जरा आखिरी मर्तबा जैनब से मिल लें। जनाब अब्बास खेमों के बाहर आए, बुलंद आवाज से कहा, बीबी अलविदा, बीबी खुदा हाफिज। जनाब जैनब 22 साल बड़ी हैं जनाब अब्बास से। जनाब जैनब ने खेमे का पर्दा हटाया, कहा, अब्बास एक लहजे के लिए जरा खेमे में आ जाइए। जनाब अब्बास खेमे में आए, अगर देख सके तो देखिएगा, जनाब जैनब ने दोनों बाहें गले में डाल दी, कहा, अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी मुझसे बाबा ने कहा था, जैनब आपको इसी शहर में कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास मुझे पूरा यकीन था मैं कैदी बनूंगी क्योंकि बाबा ने कहा है, लेकिन अब्बास मैं सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाने की, मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास अभी जब आपने कहा ना
बीबी अलविदा, अब्बास मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया जाएगा। जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे, जनाब अब्बास खेमे से बाहर आ गए। अब जानते जनाब जैनब ने क्या किया, जनाब जैनब ने आवाज ही सब बीबियों को जमा किया, कहा बीबियों मैंने मदीने में पर्दे की जमानत ली थी, मैं जमानत वापस लेती हूं, मेरा अब्बास चला गया, अब पर्दों की कोई जमानत नहीं। अभी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, शहादत पढ़ूं या ना पढ़ूं। जनाबे अब्बास खेमे से बाहर आए, जनाबे सकीना खेमे के दर पे खड़ी थी। जनाबे सकीना से मौला अब्बास ने कहा बीबी कूजा हाथ में रखें, बस मैं अभी पानी लेके आता हूं। सारे बच्चे खेमों से बाहर आ गए, जनाबे सकीना ने हर बच्चे के हाथ में कूजा दे दिया। मेरी तरफ देखिएगा आखिरी जुमले, जैसे ही मौला चले ना हाथ में अलम था, जनाबे सकीना ने कहा बच्चों वो जो अलम जा रहा है ना वो मेरे चचा अब्बास है, चचा अभी पानी लाएंगे, मैं अपने हाथों से सबको सैराब करूंगी। अलम चला, एक मर्तबा अलम नशेब में उतरा, जनाबे सकीना ने कहा ये मेरे चचा फुरात में उतरे। इतने में अलम दोबारा बढ़ा, वापस आने लगा, जनाबे सकीना ने कहा बच्चों ये मेरे चचा पानी ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के खुश्क लब तड़पने लगे, अभी पानी आने वाला है। मेरी तरफ देखिएगा आखिरी जुमले, अलम आ रहा था अचानक अलम लड़खड़ाने लगा, अलम को लड़खड़ाता देखा जनाबे सकीना ने, बीबी ने कूजा जमीन पे रखा, रो के कहने लगी बच्चों कूजे जमीन पे रख दो, हाथ बुलंद करो। बच्चों ने छोटे छोटे हाथ उठाए, जनाबे सकीना ने कहा परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो, अलम गिरो, मशकीजे में तीर लगा। या अब्बा या अब्बास। एक जुमला सुनेंगे मसाहिब का, सुनेंगे एक जुमला मसाहिब का। या अब्बास सलाम अलैकुम इब्न अमीर अल-मोमिनीन। या अब्बास।
अब्बास या अब्बास ताबूत को सीधा रहने दे, ताबूत को सीधा रहने दे, कांडा दे, कांडा आगे चले। या अब्बास 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 एक जुमला मसाहिब का पढ़ूं, बर्दाश्त करेंगे? जब मौला के दोनों बाजू कलम हो गए ना, अश्किया ने तीर चलाना शुरू किया, पूरे सीने में तीर छे, हुरमला ने तीर मारा, मौला अब्बास की आंख में लगा। या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास पेश करूं जनाबे अब्बास के मसाहिब। मैंने छोड़ दिए सारे मसाहिब, जब आंख में तीर लगा ना भैया, आप रो रहे हैं, आंख से आंसू आता, आप साफ करते हैं, हाथ ना हो तीर कैसे निकाले? मौला के तीर लगा, सर झटका, तीर नहीं निकला, आपने सर झुकाया, घुटनों से तीर को पकड़ा, तीर को खींचा। या अब्बा या अब्बा या अब्बा السلام عليك يا ابن امير المؤمنين مجھ سے لوگ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں نہ پڑھیں اب ہم برداشت نہیں کر رہے بس یہ آخری جملہ مجھے معاف کر دیجئے گا بس بھئی مولا عباس کا تابوت ہے دیکھیں گے میری طرف मौला हुसैन को बुलाया जनाबे अब्बास ने, जानते हैं क्या कहा? जब आंख में दर्द महसूस हुआ ना, तो पहली मर्तबा का मौला मेरी मदद को आइए, मेरी आंख में दर्द है। मौला हुसैन जुलजना पे सवार हुए, हाथ जोड़ के दो जुमले सुन लीजिए, घर जाके भी रोएंगे। मौला हुसैन चले, आपका जुलजना रुक गया, मौला हुसैन का जुलजना रुका, मौला उतरे, देखा जमीन पे एक बाजू पड़ा, मौला ने बाजू उठाया, रो के कहा ये मेरे अब्बास का बाजू है। आगे बढ़े, दूसरा बाजू मिला,
मौला ने दूसरा बाजू उठाया, आखिरी जुमले, खुदा की कसम मुझ में ताकत नहीं, मैं बड़ा बीमार हूं, मेरी हालत ठीक नहीं है, सिर्फ मौला अब्बास के माँ उम्मुल बनीन के लिए पढ़ रहा हूं। सुनेंगे, मौला हुसैन आए जनाब अब्बास के लाशे पे, सर उठाया, जानू पे रखा, जनाब अब्बास ने सर उतार दिया, मौला हुसैन ने फिर सर उठाया, जानू पे रखा, मौला अब्बास ने दूसरी दफा सर उतार दिया। जब तीसरी दफा मौला हुसैन ने सर उठाया, कहा अब्बास मैं हुसैन हूं, कहा मौला मुझे पता है, कहा अब्बास फिर बार बार सर क्यों उतार रहे हैं मेरे जानू से, कहा मौला मेरा सर आपके जानू पे, आपका सर किस जानू पे होगा, या अब्बास, या अब्बास।